So before starting the session, let's start with a quote on communication, which says, good communication is the bridge between confusion and clarity. That is the most important thing. Communication क्या होता है और एक अच्छा communication क्या होता है, जो confusion और clarity के बीच में एक bridge होता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सुनते हैं या हम लोगों को समझ में, मतलब हम try करते हैं कि हम लोगों को समझ में आ जाए, पर वो नहीं possible हो पाता है. तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करें, ताकि जो हम समझाने की कोशिश करें दूसरे को, उसको वो समझ में आए. सो दैट वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल कोट दैट आई फाउंड. सो आई थॉट वी शुड स्टार्ट दिस सेशन विद अ कोट विच सेज दैट गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी. एंड आई होप आज के सेशन में अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन होगा कम्युनिकेशन के टॉपिक को लेके, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा. सो वी गोना स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें कम्युनिकेशन की, या अगर आप किसी से भी कम्युनिकेशन के बारे में आप किसी से भी पूछें कि आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, सो आई एम श्योर दे जस्ट गोना से कि आई थिंक जो हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, जो हम लोग बात करते हैं, वही हमारे लिए एक कम्युनिकेशन होता है. और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही बात है. अगर हम उसका डिटेल्ड मीनिंग में भी जाएंगे कम्युनिकेशन की, तो वो भी यही कहता है कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको बता सकूं. बट एक चीज कम्युनिकेशन में क्या आती है कि वो चीज जो रिसीवर है सुनने वाला, उसे समझ में आए. कम्युनिकेट तो हर कोई कर लेता है. जैसे अगर आज मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, अगर मैं बोल दूँ कम्युनिकेशन इज दिस, द डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय दिस, यू नो यू हैव टू लर्न दिस 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 ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर गोना से, अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, उसका कोई फायदा नहीं है. तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा. इसीलिए अगर हम इसका एटिमोलॉजी मीनिंग में अगर जाएं कि कहां से ये वर्ड कम्युनिकेशन लिया गया है, तो दिस वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, व्हिच मींस टू शेयर और टू मेक कॉमन. अब शेयर का मतलब तो आप सब समझ गए होंगे कि कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना आप लोगों से, बट कॉमन का मतलब ये होता है जो एक कम्युनिकेशन होता है. अगर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला कि कल हमको स्कूल जाना है 9:00 बजे तक हमें वहां पहुंचना है. क्यों पहुंचना है? बिकॉज कल 15th of August है एंड देयर इज गोना बी अ सेरेमनी वेयर वी आर गोना होइस्ट द फ्लैग. मैंने आप सबको बता दिया कि कल आपको इतने 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 बजे आना है. बट ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट थिंग मैं आपको समझा नहीं पाई, शायद आपको समझ में नहीं आया अच्छे से कि कल हमें क्यों जाना है या कल हमें कितने बजे जाना है. अगर मैं आपको ये चीज नहीं समझा पाई, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ गुड कम्युनिकेशन और यू कैन से एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर एग्जैक्टली जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैंने आप लोगों को वो चीज समझा दी और आपके दिमाग में भी एग्जैक्टली वही चीज बैठ गई कि अच्छा ठीक है कल स्कूल जाना है, 9 बजे जाना है, कल फ्लैग होस्टिंग होगा, कल 15th of August है, दैट मीन्स आर नॉलेज और आर इंफॉर्मेशन हैज बिकम सेम. इसको ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. जो मेरे दिमाग में चीज चल रही है वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में आ जाए, देन दैट इज नोन एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और यही इसका एक्चुअल मीनिंग है, विच सेज कम्युनिकेयर. कम्युनिकेयर का मतलब होता है कुछ चीज शेयर करना, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना और उसको कॉमन बनाना. जो एग्जैक्टली मेरे दिमाग में चल रहा है वो ही आपके दिमाग में भी चलना चाहिए. I hope this has been really clear. Now we'll move forward to the next thing. Let's see some of the definitions. And I have chosen 3 definitions
which has got one important word in it. I'll read all three of you so that it becomes easy for you और आपको समझ में आए कि actually ये तीन definitions क्यों ली गई है. Now the first one has been said by Keith Davis and he has said communication is a process of passing information and understanding from one person to another. See, I'll read all three for you, then we'll discuss. John Adder has said communication is essentially the ability of one person to make contact with another and make himself or herself understood. The third one, Louis Allen has said, communication is a bridge of meaning, which I have said in my first quote also. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. If we see all these three definitions, one word that is common is understanding. ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी. कम्युनिकेशन ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से बोल जाएंगे जो शायद आपको समझ में ना आए और या आप जो कहना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में ना आए. सो दैट मीन्स देयर हैज़ बीन नो अंडरस्टैंडिंग. That means there has been no understanding. I'll just give one example to you. I told you that you have to meet me at Rajpur Road. Okay, if I suppose I told you, you have to meet me at Rajpur Road at 2 o'clock. And I went. And yesterday and tomorrow I am waiting for you at Rajpur Road at 2 o'clock, but you are not there. आप हो ही नहीं वहाँ पे. Then I am calling you and I am saying कि आप तो आए नहीं आज यहाँ पे, आपका वेट कर रहे थे. But आपको लगा कि अरे मैम मैं तो वहाँ वेट कर रहा हूँ, आप वहाँ क्या कर रही हैं. That means मैंने अपना बात तो कह दिया आपको, right? मैंने आपको बोल दिया meet me at Rajpur Road at 2 o'clock. But क्या आपको वो चीज़ समझ में आई? आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई. That's why these three definitions have said, हम communication के साथ what is more important, that what I am trying to explain वो आपको समझ में आए. Understanding is really really important in communication. अगर अच्छे से understanding नहीं होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ या आप जो समझना चाह रहे हैं, उससे barriers होते हैं which we are gonna see in the later coming slides. Now let's move to characteristics of communication. Communication में क्या क्या features होते हैं जो हमें पता होने चाहिए. The most important thing is this came in UGC NET also, whether it is a natural process or it is an acquired skill. Natural process means हम अपनी माँ के पेट से ही सीख कर आ गए हैं. We have learned everything from our mother's womb also and we don't need to learn it. हमको उसको सीखना नहीं है. नहीं, communication आप बिल्कुल सीख सकते हैं. It is an acquired skill. वो आप बिल्कुल ट्रेनिंग ले सकते हैं. अगर आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऐसे कोर्सेज हैं कम्युनिकेशन के जो अब आ गए हैं, इन विच दे एक्चुअली टीच यू how you have to speak, how you have to present yourself, how you have to give your expressions and everything. So that means communication एक ऐसी art है which I'll say that we can acquire, हम सीख सकते हैं. So the first characteristic is gonna be that communication is a skill. Please याद रखिएगा ये एक natural process नहीं है. See, some of us are gonna be like naturally very good in it. है ना, हमको बहुत अच्छे से बोलना आता है, हमको अच्छे से प्रेजेंट करना आता है. बट ऐसा नहीं है कि जो यू नो समवेयर ऑर द अदर वे दे लैक इन ऑल दीज थिंग्स वो सीख नहीं सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं. द सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस एक्सेप्ट वन कम्युनिकेशन विच इज योर इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब आप खुद से ही बात करते हैं, व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट समथिंग और द अदर इन योर ब्रेन.
राइट बाकी कम्युनिकेशन के लिए टू वे प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है. मैं अगर यहाँ से कुछ बोल रही हूँ तो मुझे वहाँ से फीडबैक आना चाहिए, चाहे मुझे इमिडिएट फीडबैक मिले या चाहे मुझे उससे थोड़ा लेट फीडबैक मिले. लाइक आई कैन सी द कमेंट्स ओवर हियर. नवनीत प्रियंका गुड इवनिंग. सी दिस इज़ थैंक यू सो मच राजेश. सी दिस इज समथिंग, मैंने कुछ बोला और आपने मुझे यहाँ से रिप्लाई किया. राइट सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. The third is gonna be base language and message are important. Base language का मतलब ये होता है कि अगर मुझे आपको कुछ समझाना है तो हम लोगों की language same होनी चाहिए. Right? If I'll start speaking in Punjabi, right? If I'll start explaining in Punjabi, then that won't be possible for many of you to understand what I'm saying. वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी. अगर मैंने हिंदी और इंग्लिश का यूज़ किया, दैट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज दैट मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास कुछ मैसेज होना चाहिए देने के लिए. राइट हम इफ वी इवन टॉक टू आर फ्रेंड्स ऑल्सो, इफ वी नॉर्मली टॉक टू आर फ्रेंड्स ऑल्सो, इफ वी टॉक टू आर पेरेंट्स ऑल्सो और हुसो एवर, लाइक नाउ वी आर टॉकिंग, सो आई हैव अ मैसेज दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग और द अदर अबाउट कम्युनिकेशन. व्हेन फ्रेंड्स आर टॉकिंग दे हैव गॉट समथिंग और द अदर टू शेयर विथ ईच अदर, दे हैव गॉट सम मैसेज टू गिव टू ईच अदर. सो इन कम्युनिकेशन बेस लैंग्वेज मीन्स जिसमें हम बात कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, वरना कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड देयर शुड बी अ मैसेज, हम जो आपको बोलना चाह रहे हैं वो कुछ मैसेज होना चाहिए कम्युनिकेशन में, देन ओनली इट्स गोना बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. द फोर्थ वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दिस इज आई फील समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन. सपोज इफ देयर वुड बी नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको लगता है कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इसका तो हमें सुनना ही नहीं है, सो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कुछ बोलना भी चाह रही हूँ तो वो आप समझना चाहेंगे, बिकॉज आई थिंक यू पीपल हैव मेड योर परसेप्शन कि इसको कुछ नहीं आता है, फॉरगेट इट, वी डोंट वांट टू लिसन टू हर ऑल्सो. राइट इफ यू ट्राई टू टॉक टू समवन हु डजंट लाइक यू और यू नो डजंट होल्ड एनी गुड थिंग अबाउट यू, तो उस समय बात करना उनसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. राइट सो अगर हमको कम्युनिकेशन करना है सो देर हैज टू बी सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देर हैज टू बी सम रिस्पेक्ट कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आप वो सुन लेंगे और आप अगर मुझे उस चीज का कोई फीडबैक दे रहे हैं तो वो मैं सुन लूंगी. तो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए देर नीड टू बी एन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. द नेक्स्ट वन इज फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस थिंग केम इन यूजीसी नेट 2019 ऑल्सो, इन विच दे सेड कि एक ऐसा पार्ट बताइए कम्युनिकेशन का या ऐसा प्रोसेस बताइए जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है. कम्युनिकेशन का प्रोसेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें बोला गया था कि कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा उसका पार्ट बताइए जो कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन को, और वो है फीडबैक. फीडबैक मतलब मैंने आपको कुछ बोला, आप मुझे आगे से बताइए क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने गलत बोला, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, और देयर कैन बी मैनी वेज इन विच आई कैन इम्प्रूव. राइट सो ये एक फीडबैक होता है. जब सेंडर को रिसीवर से फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, अगर जैसे आप, मैंने आपसे पूछा क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मैं आपको दिख रही हूँ, तो आप लोगों ने बोला यस मैम आप दिख रहे हो और आप ऑडिबल हो, तो दैट वॉज माई फीडबैक. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई सेशन टूडे. अगर मुझे ये फीडबैक नहीं मिलता तो आई वुड हैव जस्ट बीन वेटिंग हेयर ओनली, I wouldn't have started my session also, right? So feedback मिलना बहुत important है और feedback एक ऐसा part है process का which completes it, वो उसको complete बना देता है. The another thing is
that it is a continuous and universal process. See, communication एक ऐसी चीज है जो it's universal, हर कोई बात कर रहा है and it's continuous. अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं किसी और से बात करूंगी, अभी आप किसी और से बात करेंगे. सो ये कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो इट विल कीप ऑन मूविंग, इट्स नॉट गोना स्टॉप. इट इज अ डायनामिक प्रोसेस. डायनामिक मीन्स जो चलता ही रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट वेज में चेंज होता रहेगा. जैसे अभी मैं आपको वर्बली कुछ बोल रही हूँ, राइट. उसके बाद इफ आई स्टार्ट यू नो शोइंग माई एक्सप्रेशंस, if I start showing my expressions and if I try to explain you through my expressions, तो वो मेरा dynamic process है. कभी मैं verbally बोल रही हूँ, कभी मैं non-verbally आपको explain करने की कोशिश कर रही हूँ. So it is a dynamic process, it is a continuous process जो चलता ही रहता है, and it is universal also. You'll find it everywhere. ऐसा नहीं है, इफ आई एम लिविंग इन देहरादून सो ओनली हेयर वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट एंड दिल्ली एंड यू नो बैंगलोर के लोग दे आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट. नहीं, ऐसा तो नहीं है ना. इट इज यूनिवर्सल, राइट. इट इज एवरीवेयर, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर. कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी इनडायरेक्ट एज वेल, राइट. डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, ठीक है. अगर जैसे हम किसी को वीडियो कॉल करते हैं, इफ यू ट्राई एंड डू सम गूगल मीट, हम जूम पे अगर हम मीटिंग्स वगैरह लेते हैं, तो वो इंटरेक्शन क्या बोलता है, डायरेक्ट है, फेस टू फेस है. मैंने अभी कुछ बोला, आपका मुझे तुरंत उसका जवाब मिल गया, ठीक है. सो दिस इज गोना बी आर डायरेक्ट कम्युनिकेशन. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, विच इज थ्रू सम मीडियम. मीडियम मतलब इंटरनेट के जरिए हो गया, वो ईमेल्स हो गया, हमारा व्हाट्सएप चैट्स हो गया, हमारी लेटर्स हो गई, ये सब क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट, जहाँ पे हमें इमीडिएटली फीडबैक नहीं मिलता है. इट टेक्स सम टाइम, राइट. इट टेक्स सम टाइम फॉर अस टू गेट दैट फीडबैक. हमें एकदम से फीडबैक वहाँ नहीं मिलता है. इनडायरेक्ट को हम और किस उससे बोलते हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. दीज टू वर्ड्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन. सिंक्रोनस का मतलब होता है जब हमको फीडबैक मिल जाता है, और एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है जब हमको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है. ये दोनों इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं. इनडायरेक्ट एज आई एक्सप्लेन, इट इज समथिंग विच टेक्स लिटिल टाइम, और जो एक मीडियम के थ्रू हो रहा होता है, जो एक मीडियम के थ्रू हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट. अब आप बोलेंगे कि मैम फिर सिंक्रोनस इनडायरेक्ट के अंदर क्यों आया, आपने तो बोला कि सिंक्रोनस में फीडबैक मिल जाएगा. सी, सिंक्रोनस भी इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि वो भी एक मीडियम के थ्रू हो रहा है. आई टेक्स्टेड माई फ्रेंड ऑन व्हाट्सएप, मुझे इमीडिएट जवाब आ गया. एक मीडियम तो है ना, व्हाट्सएप इज अ मीडियम जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि हम अगल बगल में बैठ के बात कर रहे हैं. जब हम अगल बगल में बैठ के बात करते हैं, ऐसे फेस टू फेस अगल बगल में बैठ के बात करते हैं, वो डायरेक्ट होता है ना. इनडायरेक्ट क्या है, जब आपको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा मीडियम के थ्रू जब हम बात करते हैं. तो सिंक्रोनस में क्या होता है, आपको एकदम से फीडबैक मिल जाता है. एसिंक्रोनस में सपोज यू हैव मेल्ड समवन, आपने मेल किया कि मुझे अभी मेरी बुक्स नहीं मिली है, आई वांट माय बुक्स एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट. सो ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से बैठे हैं एंड दे विल सेंड यू या समथिंग लाइक दैट. इट टेक सम टाइम फॉर देम ऑल्सो टू रिवर्ट. सो इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस, जहां पर हमको एकदम से फीडबैक नहीं मिलता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. ओके, एज आई सेड, नाउ इट इज परवेसिव ऑल्सो. कम्युनिकेशन इज परवेसिव मीन्स इट कीप्स स्प्रेडिंग. जैसे यूनिवर्सल हो गई, तो मतलब परवेसिव भी वही होता है विच कीप्स स्प्रेडिंग. कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कहीं जाके रुक जाता है. बेशक आप और मैं बात करना बंद कर दें, बट somebody else विल डू इट,
right? Then they'll move forward. Then they'll move forward. So it keeps spreading. Communication keeps spreading, and the word for it is pervasive. And the last one is that communication is goal directed. कम्युनिकेट करने के लिए या कम्युनिकेशन प्रोसेस में गोल होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं. अभी अगर हम लोग यहाँ पर हैं एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन समथिंग, दैट मीन्स वी हैव अ गोल कि ठीक है, इतने टाइम में जितना भी अगर हम समझ पाए कम्युनिकेशन के बारे में, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. सो कम्युनिकेशन नीड्स टू बी गोल directed. The next thing which is very, very important in communication is the process of communication. Communication kaise hota hai? There are certain things in between. Aisa to matlab agar I said it, layman se agar aap puchoge to communication kya hai, wo kya bolenge? Aapas mein baat karna, bas. But if we get into little detail of communication, if we get into little detail of the process of communication, then we'll come to know ki usme bahut cheeze hoti hain, which we are going to discuss it right now. Process of communication starts with a sender. अब हम इसमें बात करेंगे मेरी और आपकी. आई थिंक दैट इज गोना बी द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू टुडे, राइट? सेंडर, द फर्स्ट थिंग इज सेंडर, जो भेज रहा है मैसेज. ठीक है, अगर सेंडर ही नहीं होगा तो कौन भेजेगा मैसेज? हाउ यू आर गोइंग टू रिसीव द मैसेजेस? यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव द मैसेजेस. So the first thing in process of communication is your sender, which is me right now. Sender is me right now, right? The next thing that comes is message. अगर sender के पास कोई message नहीं होगा तो वो क्यों communicate करना चाहेगा? वो तो communicate नहीं करना चाहेगा ना. तो इसीलिए सेंडर के बाद आता है मैसेज. मेरे पास मैसेज है आपको देने के लिए. क्या है वो मैसेज? कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, ये मेरे दिमाग में आया कि मेरे को तो ये बताना है आप लोगों को कि एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सेंड यू अ मैसेज. फर्स्ट वन वॉज योर सेंडर, देन इज योर मैसेज, then is your encoding. Now please, encoding is something that brings lot of confusion. कि असल में encoding है क्या? Encoding का मतलब होता है जो message sender अपने दिमाग में बनाता है कि मैं कैसे इसको send करूंगा, किस वे में मैं बोलूंगा. अगर मैं टाइप करने में जा रही हूं, इफ आई वॉन्ट टू टाइप अ मैसेज, सो वॉट एम आई गोइंग टू टाइप, हाउ एम आई गोइंग टू टाइप. इफ आई वॉन्ट टू सेंड एन ओरल मैसेज, बोल के अगर मुझे भेजना है, देन आई विल बी कि मुझे कैसे बोलना है, राइट? सो सेंडर जो होता है वो अपने दिमाग में एनकोड कर लेता है ये सब कुछ. एनकोडिंग मीन्स समझ लेता है अच्छे से कि कैसे मैं ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड करूंगा. एनकोडिंग इज रिलेटेड टू सेंडर एंड एनकोडिंग डिपेंड्स अपॉन योर मीडिया, योर ऑडियंस एंड द कॉन्टेक्स्ट. मैं किस ऑडियंस को ये मैसेज भेजना चाह रही हूँ? क्या वो ऑडियंस इंग्लिश हिंदी दोनों समझती है? किस चैनल, किस मीडियम से भेजना चाह रही हूँ? इज इट गोइंग टू बी एन ईमेल, और इज इट गोइंग टू बी अ व्हाट्सएप मैसेज, और इज इट गोइंग टू बी अ नॉर्मल मैसेज? सो मैं वो चीज़
कैसे भेजना चाह रही हूँ, एंड दैट मैसेज कैन एक्चुअली बी फेस टू फेस ऑल्सो, कि मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी आर एनकोडिंग. द एनकोडिंग डिपेंड्स अपॉन सर्टेन थिंग्स विच आई टोल्ड यू, मीडियम, कॉन्टेक्स्ट, किस बारे में हम बात करेंगे, एंड ऑडियंस, कि मेरी ऑडियंस क्या लैंग्वेज समझती है, वो किस एज ग्रुप की है, उनका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, राइट. सो आई नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली आई कैन सेंड अ मैसेज एंड आई कैन फ्रेम अ गुड मैसेज इन माई माइंड. द नेक्स्ट स्टेप इज योर मीडियम. द फोर्थ वन इज योर मीडियम. मीडियम मतलब आप किस चैनल से भेज रहे हो अपना मैसेज. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्या आप फेस टू फेस बोलेंगे वो मैसेज, क्या आप व्हाट्सएप करेंगे, क्या आप ईमेल करेंगे, क्या आप जूम मीटिंग में करेंगे, क्या आप अभी जैसे वी आर इंटरैक्टिंग, या हम इस फेसबुक के जरिए हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे. सो द सेंडर नीड्स टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, कि वो किस मीडियम से भेजेगा. द नेक्स्ट वन कम्स द रिसीवर. अब रिसीवर का पार्ट है यहाँ पे. सेंडर के पास मैसेज था, उन्होंने एनकोड कर लिया, उन्होंने एक मीडियम के थ्रू भेज दिया. सपोज मैंने आपको मैसेज भेज दिया, हाउ आर यू डूइंग, ओके. नाउ द रिसीवर हैज गॉट दैट मैसेज एंड नाउ दैट रिसीवर विल डीकोड दैट मैसेज. डीकोड का मतलब होता है समझना उस मैसेज को, द वे द सेंडर हैज सेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कम्युनिकेशन में, पहले भी बोला कि जो चीज आप समझाना चाह रहे हो रिसीवर एग्जैक्टली वही समझे, ठीक है. तो मैंने पूछा हाउ आर यू, रिसीवर को मैसेज मिला, रिसीवर ने डिकोड किया एंड द रिसीवर अंडरस्टूड कि ओ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू आस्क मी कि मेरा हाल क्या है, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, राइट. सो द सेंडर विल देन सेंड द फीडबैक. द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द फीडबैक दैट आई एम ओके और आई एम डूइंग गुड. That is going to be the last step of communication, which is the feedback. Then it will keep on repeating, right? When we message someone or when we ask someone, how are you? I'm fine, good. What are you doing? I'm doing this. What are your hobbies? And all these things. Then this process starts. It becomes a circular thing. Wo chalta rahega fir. So the first thing that came in the process of communication is your sender. Sender ke paas ek message hai. Us message ko unhone encode kiya. Achche se samjha ki main kaise isko receiver tak pahunchaunga and what are going to be the things that I'm going to say. Right? Uske baad aapka kya aata hai? Medium. आप किस चैनल से भेज रहे हो, ईमेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, या आप डायरेक्ट ऐसे आमने सामने बात कर रहे हो, राइट. देन द फिफ्थ थिंग कम्स इज योर रिसीवर, जिसको वो मैसेज मिला, रिसीवर ने उसको डिकोड किया. डिकोड मतलब समझने की कोशिश करी, ठीक है. उन्होंने समझने की कोशिश करी, कोशिश करने के बाद उन्होंने फीडबैक भेजा. उन्होंने फिर फीडबैक भेजा दैट आई एम डूइंग गुड, राइट. तो ये हमारा प्रोसेस होता है ऑफ कम्युनिकेशन. जस्ट अ सेकेंड. Yes, Jyoti, SMCR model and Sharon's model are very, very important. And I promise if we get enough time today,
We are definitely going to discuss on these models also. There are three models which are very important: linear, SMCR, and Sharon's model. So if we get enough time today, we'll surely discuss that, Jyoti. Now, please do not forget the thing that I said before. Feedback is a part of a process that completes the process of communication. Okay, now let's move forward. This is something really important. This is something really important, and I'll try to make it very easy for you people to understand it. It is types of communication. Communication bahut types ke hote hain, and it is like what do you call it? Different trees. Trees ke bhi branches hote hain. So different type of communication hote hain, aur uske andar aur branches hote hain. So we'll try and see all the types of communication. Anyone who has got any problem till now can ask, please. Jyoti will try to figure out. Thank you so much for saying that. Agar aapko kuch bhi abhi tak process mein, meaning mein, kisi word mein, agar aapko kuch samajh mein nahi aaya ho, aap please pooch lijiye, aur I'll see the comments and then we'll discuss about it. Navneet, I hope aapko process samajh mein aa gaya hoga. अगर आपको आ गया है तो आप प्लीज मुझे जस्ट टेल मी अबाउट इट. एंड आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट सी द मैसेज एट दैट टाइम. अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज बता दीजिएगा. ओके, सो लेट्स गो टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कितने तरीके के कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई थिंक इट जस्ट गॉट Give me a second, please. I think some error. Thank you, Priyanka. Yes. Okay. I'm so sorry. It was something. Now, types of communication. The A part says on the basis of relationship. ठीक है, हमारा लोगों के साथ कैसा relationship है और उस बेसिस पर भी कम्युनिकेशन होता है. द फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल और डायडिक कम्युनिकेशन. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड डायडिक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डज कम इन द एग्जामिनेशन एज वेल. इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब हम लोग दूसरे लोगों से बात करते हैं. लाइक वी आर डूइंग इट राइट नाउ. हम लोग आपस में बात कर रहे हैं. मैं आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूं और आप लोग उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं. आप उसका फीडबैक मुझे दे रहे हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज इंटरपर्सनल. INTER इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डायडिक कम्युनिकेशन. ठीक है. द सेकेंड वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. Inter, INTER, and the second one is intra, INTRA. Okay, intra communication का मतलब क्या होता है? When we talk to ourselves. Okay, sometimes you might have even heard someone saying, "Are you daydreaming?" Right? Especially in the class, the teachers say, "Are you daydreaming?"
Okay, and if you'll find someone, talking like this, they're actually thinking something, right? So that is known as intrapersonal. जिसे हम अपने आप नहीं बोलते, ओ फटाफट करते हैं, ओ जल्दी करते हैं, लेट हो गया, अरे अरे मार्केट जाना है, अरे यहाँ जाना है, अरे वहां जाना है, ठीक है, जब हम खुद से ही बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा. एंड द थर्ड वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन. ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन आपको मेनली मिलेगा जहां पे कोई गोल होता है. एंड प्लीज रिमेंबर, ग्रुप कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड होता है. आप ऐसे ही ग्रुप कम्युनिकेशन ऐसे नहीं करते, कोई टॉपिक होता है आपके पास या आपको कुछ किसी को समझाना होता है या किसी को काम डिवाइड करना होता है, कुछ गोल होता है. सपोज अ मैनेजर इज देयर, नाउ मैनेजर हैज टू डिवाइड ऑल द वर्क अमंग हिज कलीग्स और अमंग हिज काउंटर पार्ट्स. ठीक है, तो वो ग्रुप डिस्कशन करेगा कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे. सो ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो मेनली आपको दिखेगा काम के रूप में. ठीक है, टीचर्स ग्रुप बना देती है और अलॉट कर देती है कि ये वाला जो ग्रुप है मैं आपको समझाऊंगी आपको क्या काम करना है, ये वाला जो ग्रुप है मैं आपको समझाऊंगी कि आपको क्या काम करना है. सो ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जब कुछ लोग इकट्ठा होके बात करते हैं एंड दे हैव गॉट अ गोल. ठीक है, आपको भी ये पता है आप ऐसे तो ग्रुप नहीं बनाओगे, यू माइट बी हैविंग सम रीजन बिहाइंड इट कि दिस ग्रुप इज गोना बी द डांस ग्रुप, दिस ग्रुप इज गोना बी द म्यूजिक ग्रुप, राइट? सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये गोल ओरिएंटेड होता है कि किसी काम से रिलेटेड होता है एंड इट इज नोन एज द ग्रुप वन. एंड द लास्ट वन दैट कम्स इन दिस इज मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन. ना मास कम्युनिकेशन आपको पता होगा, मास से ही आपको समझ में आता है कि व्हेन यू वांट टू स्प्रेड समथिंग, स्प्रेड सम इंफॉर्मेशन इनटू द मासेस. मासेस का मतलब होता है बहुत लोग, like the full population, let's say full population of India, to the world also, जहां पे लोग हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं mass और mediated communication. जब आप किसी channel के through उनको बोल रहे हैं, जब आपका जो news आता है, radio जो आपका आता है, newspaper जो आता है, it is distributed into the masses. ऐसा तो नहीं है newspaper वाला कहेगा इस घर में नहीं दूंगा, उस घर में दूंगा. नहीं, अगर आपने बोला है देना है तो इट्स गॉना डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन. टीवी पे न्यूज दिखाते हैं सो दे डू नॉट थिंक कि वी आर नॉट गॉना शो इट टू दिस फैमिली, वी आर नॉट गॉना शो इट टू दिस फैमिली. नो, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो. सो मास कम्युनिकेशन मीन्स वेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू द मासेस, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत लोग, और ये एक मीडियम के थ्रू होता है. मीडियम मतलब आप कोई चैनल तो ढूंढोगे ना किसके थ्रू आप ये आप मैसेज भेजोगे, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ईमेल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, नाउ द बी पार्ट ऑफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और स्टाइल. दिस इज समथिंग इलैबोरेटेड वन. इसमें आपका आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब फॉर्मल से आपको नाम समझ में आता होगा, जब सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब आपको कहा जाता है वेयर योर फॉर्मल क्लोथ्स, ओके, तो हम लोगों को क्या समझ में आता है, अच्छा आज किसी वी हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, वी हैव टू वेयर अ टाई और समथिंग लाइक दैट, और वी हैव टू गो सम फॉर सम ऑफिशियल वर्क. सो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल. तो ऐसे ही ये भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है विच टेक्स प्लेस अमंग द पीपल हु वांट्स टू डिस्कस समथिंग अबाउट देयर बिजनेस और यू नो ऑफिस रिलेटेड वर्क और समथिंग लाइक दैट. तो इस काम को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली. जो चीज, जो इंफॉर्मेशन आप को ऑफिशियली किसी को बताना है, जैसे जो हम स्कूल्स में बताते हैं, ऑफिस में बताते हैं, बैंक्स में बताते हैं, ऑल दीज कम्युनिकेशन, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ देयर आर वेरियस टाइप.
Now there are various type of formal communication. We are going to discuss it one by one. And I was just thinking that let me show you also. Okay, now the first category that comes under formal communication is, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो टाइप होता है वो है हमारा चेन नेटवर्क. ठीक है, वो क्या होता है हमारा चेन नेटवर्क. अब चेन नेटवर्क क्या होता है, जब आपका इंफॉर्मेशन है जो पास हो रहा है, या तो वो टॉप अथॉरिटी से लो अथॉरिटी पे जा रहा है या लो अथॉरिटी से टॉप अथॉरिटी पे जा रहा है. चेन कम्युनिकेशन नेटवर्क और यू कैन से कम्युनिकेशन का मतलब होता है, सपोज द मैनेजर वॉन्ट्स टू से समथिंग टू द एम्प्लॉय एंड इन रिटर्न एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू से समथिंग टू द मैनेजर. दिस इज सिंपली नोन एज योर चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन. जब हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में हम कुछ बोल रहे हैं या हम लोअर अथॉरिटी वाले हायर अथॉरिटी को कुछ बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज योर चेन नेटवर्क. सेकेंड इज योर स्टार नेटवर्क. नाउ इफ आई विल ट्राई एंड शो यू, सी स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी नोन एज व्हील कम्युनिकेशन. It has the same meaning. This star communication is somewhat denoted like this. Can you see this middle part? Can you see this middle circle? This is the leader. Now, star communication ka matlab hota hai jab aapka leader hi aapse baat karega. एक आप ऑफिस में है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज आपस में ऐसा बात नहीं करेंगे ऑफिशियली उस चीज से रिलेटेड. ओनली लीडर विल टॉक टू यू, लीडर विल टेल यू ओके यू आर गोना डू दिस वर्क. ठीक है, यू आर गोना डू दिस वर्क. सो लीडर इज गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. स्टार का जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया ना, बीच में एक गोला था, जस्ट रिमेंबर विद दैट ओनली कि ही इज द मेन मैन और शी इज द मेन लेडी, बॉस आप जिसे कह सकते हैं, हु इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल. ठीक है, द थर्ड वन इज योर सर्कल नेटवर्क. नाउ सी, सर्कल नेटवर्क का मतलब होता है जब आप लोग, सपोज यू आर सिटिंग इन अ सर्कल, ओके यू आर सिटिंग इन अ सर्कल बट यू आर नॉट टॉकिंग टू एवरीवन. आप सिर्फ अपने एडजॉइनिंग वाला जो मेंबर है उससे बात करोगे. सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल, आई कैन सी अ ब्यूटीफुल नेम हियर, अलीशा. मेरे बगल में अलीशा बैठी है और इस बगल में मेरे नवनीत बैठे हैं. ठीक है, मेरे सामने प्रियंका बैठी है, मेरे सामने विनीत एंड राणा अफरीन बैठी हैं. तो मैं सामने वालों से बात नहीं करूंगी, आई विल जस्ट टॉक टू माई एडजॉइनिंग पीपल. सर्कल नेटवर्क में क्या होता है, आप ऐसे सबसे बात नहीं करते हो, आप जो आपके एडजॉइनिंग मतलब जो आपके अगल बगल में बैठे हैं, आप सिर्फ उनसे बात करते हो. ठीक है, दिस इज नोन एज योर सर्कल नेटवर्क. द नेक्स्ट वन इज इनवर्टेड वी नेटवर्क. नाउ लेट मी शो यू दिस ऑल्सो. I had the PPT ready, but it was having some issues that's why I couldn't show it to you. I'm so sorry for that, but I'll try to make it up to you for that. Okay. Now, inverted V, ulta V. ठीक है, inverted me V is a formal communication. Now you can see A and B. अब इन्वर्टेड वी में क्या होता है कि जो लोअर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं, दे कैन टॉक टू देयर सुपीरियर जो सी है, और उससे भी ऊपर जो सुपीरियर होते हैं वो उनसे भी बात कर सकते हैं. सपोज ये दो ए एंड बी टीचर्स हैं. ठीक है, ए और बी टीचर्स हैं,
सी उनके कोऑर्डिनेटर हैं और डी उनके प्रिंसिपल हैं। सो ए और बी जो हैं वो कोऑर्डिनेटर से भी बात कर सकते हैं एंड अपने प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं। दिस इज योर इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। दिस इज योर इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन वेयर द एम्प्लॉयज और द मेंबर्स कैन टॉक टू देयर सुपीरियर, जो उनसे थोड़े ऊपर हैं, जैसे टीचर्स के ऊपर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं या वाइस प्रिंसिपल होते हैं। सो जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, हु आर देयर इन द फॉर्मल सिचुएशन, दे कैन टॉक टू देयर सुपीरियर एंड देयर सुपीरियर ऑल्सो। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड वी नेटवर्क। एंड द लास्ट वन इज ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क का मतलब होता है वेयर एवरीबडी कैन टॉक टू एवरीवन इन अ फॉर्मल सिचुएशन वेयर एवरीबडी इज देयर, वेयर ऑल द एम्प्लॉयज एंड एवरीबडी इज देयर, दे कैन टॉक टू एवरीवन। सो दीज वर सम ऑफ योर फॉर्मल कम्युनिकेशन। स्टार कम्युनिकेशन प्रियंका इज कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज व्हील कम्युनिकेशन, बिकॉज व्हील कम्युनिकेशन भी एग्जैक्टली यही होता है जहां पे आपका एक लीडर होता है और आपको क्या करना होता है, लीडर ही बात करेगा एम्प्लॉयज से। ठीक है, एम्प्लॉयज आपस में डिस्कस और ये नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि तुम ये काम कर लो मैं ये काम कर लेती हूं, नहीं। ठीक है, दे बोथ हैव गॉट द सेम फंक्शन। दे बोथ, यू कैन से कहीं पे हम स्टार कम्युनिकेशन भी लिखते हैं, कहीं हम व्हील कम्युनिकेशन भी लिखते हैं, उन दोनों का जो फंक्शन होता है वो एब्सोल्युटली सेम होता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू इनफॉर्मल वन। लेट्स ट्राई एंड फिनिश दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज आई थिंक द टाइम, आई हैव ऑलरेडी टेकन 1 hour, आई वॉन्ट टेक मच ऑफ द टाइम ऑल्सो, सो बट वील फिनिश द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। द नेक्स्ट वन इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब इज द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल। पल्लवी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज आई टोल्ड यू इज व्हेन वी इंटरैक्ट विद अदर्स, एंड ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन इज आल्सो वन ऑफ दोज वेयर वी इंटरैक्ट विद अदर्स, राइट। देयर इज वन ट्रांजैक्शनल मॉडल आल्सो, सो दैट्स व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद प्रियंका कि इफ वील गेट टाइम वील डू इट, विच आई डाउट। सो इंटरपर्सनल इज जब आप बात करते हैं, ठीक है, जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, और ट्रांजैक्शनल आपका कम्युनिकेशन भी वही होता है व्हेन यू टॉक टू अदर्स। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आपको, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ ग्रेप वाइन। ग्रेप्स जब उगते हैं, ठीक है, इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन ही क्यों कहा गया है, बिकॉज जब ग्रेप्स उगते हैं तो आपको ये नहीं पता वो कहां से स्टार्ट होके कहां फैल जाते हैं। यू डोंट नो द एग्जैक्ट पोजिशन फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड एंड वेयर दे हैव एक्चुअली गॉन, राइट, बिकॉज दे स्प्रेड सो फास्ट, वो बहुत तेजी से फैलते हैं। दैट्स वाई एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बहुत तेजी से फैलता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको पता है विच इज नॉट देयर इन अ फॉर्मल सिचुएशन। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी टॉक टू आर फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक टू आर फैमिलीज, यू नो, व्हेन वी टॉक टू आर नेबर्स, जिसका कोई ऐसा गोल ओरिएंटेड नहीं होता, ऐसे ही हम बात करते हैं। और क्या हाल है आपका, हाउ आर यू फीलिंग, वेयर आर यू गोइंग, राइट। तो ये आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है विच इट डज नॉट हैव अ फॉर्मल सिचुएशन और फॉर्मल एनवायरमेंट। आई मस्ट से द फर्स्ट वन इज द चेन। चेन कैसी होती है, लटक रही है ऐसे, ठीक है। चेन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने एक बात बोली बी को, सपोज आई सेड समथिंग टू पल्लवी, पल्लवी ने वही बात बोली सी को, फिर वही बात बोली किसी और को, फिर वही बात बोली किसी और को, तो वो चीज ऐसे फैलती ही गई। मैंने पल्लवी को बोला दैट आई एम गोइंग टू गो टू दुबई, ठीक है, पल्लवी ने बोला वाओ दुबई, पल्लवी टोल्ड टू प्रियंका, प्रियंका टोल्ड टू अलीशा, तो ये एक चेन की तरह ये चीज फैलती ही चली गई,
ठीक है. द सेकेंड वन इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन. इट सेज गॉसिप कम्युनिकेशन. आई थिंक गॉसिप कम्युनिकेशन इज समथिंग जो मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं है. इसीलिए देखा आपने इसको ग्रेप वाइन क्यों कहते हैं. गॉसिप कैसे फैलता है. इट स्प्रेड्स लाइक फायर. इट स्प्रेड्स लाइक फायर राइट. सो गॉसिप इज समथिंग लाइक दैट. इसको बोला उसको बोला इसको बोला इसको बोला इसको बोला. ऐसे बोलते हैं गॉसिप को. इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग टू एवरीवन. द नेक्स्ट वन सेज योर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी बात है वो आप सबको नहीं बता रहे हो. आप रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो. अच्छा मैं इसको नहीं मैं उसको बता देता हूं. अच्छा मैं उसको नहीं मैं उसको बता देता हूं. ठीक है आप सबको नहीं बता रहे हैं वो बात. बट यू आर चूजिंग पीपल आपको किस किस को बताना है. यू एक्चुअली चूज पीपल टू होम यू वॉन्ट टू टेल दैट थिंग. सो लेट जस्ट सी प्रोबेबिलिटी. अंडर दिस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन पासिस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. वन मेंबर कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर्स हु इन टर्न कम्युनिकेट टू समवन. दैट्स व्हाट आई सेड दैट वो किसी भी को भी चूज कर लेते हैं. ठीक है मैं इसको नहीं आई टेल टू दैट पर्सन. उसको कुछ बता दिया उसको कुछ बता दिया. भावना चेन कम्युनिकेशन कम्स इन इनफॉर्मल. चेन कम्युनिकेशन कम्स इन योर इनफॉर्मल एंड इट इज देयर इन योर फॉर्मल ऑल्सो. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. यस इट डज कम इन फॉर्मल ऑल्सो. इन चेन वेयर आई टोल्ड यू कि लोअर अथॉरिटी. सी भावना हैज सेड समथिंग. लेट्स जस्ट डिस्कस ऑन दैट क्विकली. चेन कम्युनिकेशन कम्स इन योर what you call it formal also and your informal also. formal में formal जो होता है उसमें क्या होता है. higher authority से lower authority, lower authority से higher authority पे बात हो रही है. ठीक है informal में भी है वो. जब आप किसी को भी ऐसे बातें बताते रहते हो. it keeps on going, it keeps on moving right. and the last one that comes in your informal is cluster. cluster communication. क्लस्टर का मतलब होता है कि आप जिसको ट्रस्ट करते हैं आप उसी को बताएंगे वो बात. आई ट्रस्ट माई फ्रेंड. आई एम गोना ओनली शेयर दिस थिंग अबाउट समवन विद हर ओनली. सो क्लस्टर में क्या होता है आपको जिस पे ट्रस्ट होता है आप उसी को बताते हैं और वो आगे से उसको बताता है जिसको उस पे ट्रस्ट है. That was your informal. And the last thing that we are gonna do today is the last thing is communication on the basis of direction. I got a thing for you. Yes. Let's just quickly discuss with the help of the scale. We'll discuss on the basis of direction with the help of a scale. Okay. Upward communication. Downward communication, horizontal communication, diagonal communication. Upward और downward को अगर आप एक साथ मिलाएं तो आप इसको बोल सकते हैं vertical. ये vertical, standing line. ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को. vertical क्या होता है. standing line. ठीक है. Upward communication, downward communication. Upward communication क्या होता है. ऊपर कौन होता है. बॉस. सो बॉस इज गोइंग टू से समथिंग टू द एम्प्लॉय और टू समवन हु इज लोअर टू हिम इन द पोस्ट वाइज राइट. सो हम क्या बोलेंगे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन. ओ आई एम सो सॉरी आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अपवर्ड. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. आई जस्ट गॉट इट. अपवर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जब लोअर एम्प्लॉयज अपने बॉस से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं ऊपर ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ जब इंफॉर्मेशन अपवर्ड इंफॉर्मेशन मतलब ऊपर की तरफ चलना. ठीक है. तो जब आप जो लोअर एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने बॉस से कुछ कहना चाहते हैं या उनको कोई फीडबैक देना चाहते हैं या उनको कुछ ग्रीवियंसेस अपने बताना चाहते हैं दैट इज नोन एज अपवर्ड ऊपर की तरफ. ऊपर कैसे जाएंगे. नीचे से ऊपर जाएंगे.
ठीक है. सेकेंड इज योर डाउनवर्ड. आई वॉज एक्सप्लेनिंग डाउनवर्ड, आई एम सो सॉरी. हाँ, डाउनवर्ड का मतलब होता है जब आपका बॉस यहां बैठ के नीचे इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है. क्या आप ये काम करेंगे, आज आप यहां जाएंगे, आज आप वहां जाएंगे, दैट इज नोन एज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ऐसे ऊपर से नीचे देखना. ओके, बॉस इज ऑलवेज हियर एंड हाउ ही सीज, ऐसे नीचे नीचे की तरफ देखना और इंफॉर्मेशन देना. द सेकेंड इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, स्लीपिंग लाइन, विच इज ऑल्सो नोन एज योर लैटरल. हॉरिजॉन्टल मीन स्लीपिंग. हॉरिजॉन्टल इज कम्युनिकेशन मीन जब आप अपने साथ वाले एम्प्लॉय से, जो आपके व्हाट यू कॉल इट, सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टीचर्स. आप जो सारे पीआरटी टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, जब वो आपस में बात करती हैं, ठीक है, अपने लेवल की टीचर्स से जब वो बात करती हैं, सेकेंडरी की टीचर्स हैं, सेकेंडरी की टीचर सेकेंडरी टीचर्स से बात करती है. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब आप अपने लेवल के लोगों से बात करते हैं, ठीक है, जब आप अपने लेवल के लोगों से बात करते हैं, दैट इज नोन एज योर हॉरिजॉन्टल. एंड द लास्ट वन इज योर डायगनल. ऐसा तेरा ऐसा. डायगनल का मतलब होता है कि एक टीम के लोग दूसरे टीम के लोग से बात कर लेते हैं. इसमें कुछ लेवल और कुछ आपको देखने की कोई जरूरत नहीं होती है. सपोज पीआरटी टीचर्स आर टॉकिंग टू सेकेंडरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स आर टॉकिंग टू हायर टीचर्स. सो डायगनली चलता है, जहां आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे लेवल के लोगों से यू कैन टॉक. राइट, वी विल जस्ट क्विकली सी व्हाट वी हैव डन टुडे before we end this session, because it's already I've taken 1 hour, though I had barriers also in my mind and some MCQs about it. MCQ se mujhe yaad aaya one thing, jo hamara verbal aur ek non verbal bhi hamara reh gaya, let's just quickly discuss. Ek verbal communication hota hai, baatcheet. Non verbal, which is through your expressions, which is through your messages that you write. It is also a detailed topic that there are different kinds of non-verbal communication. There are 7 kinds of non-verbal communication. If by God's permit we get a chance again, we'll discuss on that also. But one question that just got clicked in my mind and it came in exam also. Exam mein pucha gaya tha ki agar aapko verbal aur non-verbal communication mein se bola jaye ki trust kis pe karenge. Which is going to be the most trustworthy communication? तो आप किसको बोलेंगे, verbal या non-verbal? So if you could please reply to me whether you are gonna trust someone who is verbally speaking to you or you're gonna trust someone who is non-verbally speaking. So if someone can please reply that whether you're gonna trust on verbal or non-verbal, I'll wait for the reply. Thank you so much, Sanjeev. Thank you so much, Jyoti. Jyoti, you will get a chocolate. And Sanjeev, maybe you will get a toffee. Okay, thank you so much, Rasina, Pallavi, Renu. Okay, Jyoti, Rasina and Renu, you'll get a chocolate. Okay, Jasmeet, Navneet, chocolates. And let's give Sanjeev, let's give Pallavi. And I think one more person said verbal, Bhavna. Okay, we'll give them toffee. Thank you so much for your responses. Okay, Jyoti has got her own reason. Very good, Jyoti. You have got your own reason that why non-verbal should be trusted. So the answer is non-verbal. So the answer is non-verbal. And I'll show something to you. Okay. Suppose I said, let's take Jasmeet. I hope you won't mind, Jasmeet. Verbal नहीं होगा नवनीत,
it's gonna be non-verbal. I'll tell you why. Because see, verbally मैंने बोला कि चलो let's take Navneet only. We'll say Navneet को मैंने बोला what an intelligent person, yeah. Suppose I'm talking to all of you, I'm talking to Priyanka, Jyoti, everyone. Okay. I said, what an intelligent person he is. Right? And then I turned my back and I said, And I just did like that. Okay. And somebody saw me doing that. आप लोगों के सामने मैंने बोल दिया क्या intelligent person है भाई, मजा आ गया बात करके. And then I turned my back and I said, So we trust these expressions, right? बोल तो हम तारीफ तो हम सबकी कर देते हैं, कि अरे बहुत अच्छे हो. जब हम expressions देते हैं तब actually पता चलता है कि क्या सच है और क्या गलत है, right? So it's gonna be non-verbal. Please remember that that question was asked. Let's quickly recapitulate what we did today. Let's quickly do it, okay? We did meaning of communication. We did definitions of communication. We did characteristics of communication. We did process of communication. And we saw different types of communication. And I hope that I was able to share whatever I had in my mind with you all. And if any one of you have any problem, you can please ask me or you can please leave a comment behind. I am surely gonna answer to you. Thank you so much everyone for being there. And it was a lovely session. And if God permit and if everything remains fine, we'll meet again with maybe communication or maybe with some other topic. But we'll meet soon. Thank you so much, everyone. I'm gonna end this video now. Thank you. Bye-bye.